ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और अभी से मार्केट में ना बहुत ही सस्ते और बहुत ही फ्रेश आंवला जो है मिलने लगा है। तो आज मैं ना आपको आंवले की एक नहीं बल्कि दो नई रेसिपी बताऊंगी। ये ना तो मुरब्बा है और ना ही कैंडी, सुपर हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे आप खा भी सकते हैं और अपने बालों में और चेहरे में लगाकर अपने आप को चमका भी सकते हैं। तो इसे एक बार बनाएं और सालों साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया है। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर साफ करके अच्छे से पोंछ कर यानी एकदम ड्राई करके लिया है। तो जब भी आप आंवले खरीदे ना तो अच्छे से इस तरह के बढ़िया से जिस पर बिल्कुल भी दाग ना हो ऐसी आंवले आप जरूर लें। ज्यादा पके हुए ज्यादा दाग लगे हुए ऐसे आंवले का इस्तेमाल आप ना करें। इस तरह के जो आंवले होते हैं ना ये खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी होते हैं। आप इस रेसिपी के लिए आंवले की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन आंवलों को हमें ना कद्दूकस करके लेना है, तो इसलिए मैंने इस तरह का ना ग्रेटर लिया है। मैं बड़े छेद वाला जो साइड है ना इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ इन्हें कद्दूकस करने के लिए। हमें इसके अच्छे से लच्छे निकाल लेने हैं। अब अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी के जार में आप इसे डालें और मोटा मोटा दरदरा सा पीस कर ले सकते हैं। मिक्सी तो सभी के घर में होती है। आंवले का मौसम चल रहा है और अभी ना बढ़िया से आंवले एकदम फ्रेश जूसी और सस्ते मिल रहे हैं मार्केट में, तो इनका फायदा तो उठाना बनता ही। ये देखिए अच्छे से लच्छे हमें इस तरह के चाहिए। आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना इसे आप बनाकर 5 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। एकदम बारीक नहीं करना है और ना ही इसका पेस्ट बनाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 थाली भरकर मैंने आंवले के लच्छे जो है उन्हें निकाल लिए हैं और यहाँ पे आंवले के जो बीज हैं आपको नजर आ रहे हैं इन्हें भी मैंने साइड में रखा हुआ है। इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, तो इसका हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये बहुत ही बड़े काम की चीज है, तो फिलहाल इन्हें हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री ली है, तो यहाँ पे हमें टोटल ना 400 ग्राम मिश्री की जरूरत पड़ने वाली है। तो इन्हें हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का पाउडर बना लिया है। अब अगर आपके पास मिश्री ना हो आप नॉर्मल जो घर में साबुत चीनी होती है ना वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, अभी कढ़ाई को हम गैस पर नहीं चढ़ाने वाले हैं। अब क्या करेंगे, जो पीसी हुई मिश्री है ना सबसे पहले थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे। उसके बाद ये जो कद्दूकस किया हुआ आंवला है इसको भी इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से और फैला देंगे। और इसी तरह से पहले मिश्री फिर आंवला फिर मिश्री फिर आंवला इस तरह की लेयर बनाते जाएंगे। तो ये आखिर वाला सारा का सारा मैंने डाल दिया है। इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आने के लिए और बढ़िया सी खुशबू आने के लिए मैंने यहाँ पे 5 साबुत काली मिर्च ली है, ये भी इस तरह से डालेंगे फैलाकर। और साथ में मैंने 5 ही लौंग भी लिए हैं, तो इसे भी डाल देते हैं। ऊपर से ढक्कन रख देंगे और अब इन्हें हम गैस पर चढ़ा देते हैं और अब बिना छेड़े इसे 3 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर पकने देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी थाली भरकर हमने रखी हुई थी इसका क्या करना है, तो इन्हें हम क्या करेंगे इस तरह के बड़े से ट्रे में डालकर अच्छे से फैला देंगे। आप ट्रे के बदले यहाँ पे थाली या फिर प्लास्टिक या कॉटन का कपड़ा आता है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसकी जो परत है ना वो एकदम पतली लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने एकदम पतली लेयर में इसे फैला दिया है। उसके बाद हम इसे उठाकर बालकनी में रख देंगे सूखने के लिए। आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे भी आराम से घर पे रख सकते हैं सूखने के लिए, या फिर अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है या आपकी खिड़की में अच्छी धूप आती है ना तो वहां पे भी आप इसे रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। जो हमने मिश्री डाली हुई थी ना वो पूरी तरह से घुल गई है। कितना सारा आंवले का पानी छूटा है, यानी आंवले ने अपना जितना सारा पानी था सारा जूस था वो रिलीज कर दिया है। अगर आपने साबुत चीनी ली है तो यहाँ आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि चीनी घुलने में टाइम लगेगा। अब इसमें आपको उबाल भी नजर आ रहा होगा, तो जैसे इसमें उबाल नजर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे आंच को जो है हाई पे करेंगे, यानी यहाँ पे जो फ्लेम है वो हम बढ़ा देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच गुड़ का पाउडर। आप जो नॉर्मल गुड़ आता है वो भी ले सकते हैं, उसे आप कद्दूकस करके ले या फिर टुकड़ों में कट करके भी ले सकते हैं। अगेन अगर पिसा हुआ है इस तरह का पाउडर है तो जल्दी से आपकी रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। और अगर नॉर्मल गुड़ लिया है तो उसे मेल्ट होने में उसे पिघलने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब हमने यहाँ पे
पहले मिश्री भी डाली थी और अब गुड़ भी डाला है। गुड़ की वजह से ना इसमें एक अलग सा मीठापन आएगा ही, साथ में इसका जो कलर है ना वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो आपको इसमें ना अलग से बाहर वाला जो कलर फूड कलर मिलता है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हमने यहाँ पे पिसा हुआ गुड़ का पाउडर लिया है, तो देखिए कितनी जल्दी ये भी फटाफट पिघल गया है, अच्छे से इसमें घुल गया है। जब इस तरह इसकी जो चाशनी है ना वो अच्छे से गाढ़ी होने लगे, तब हम इसमें क्या करेंगे ना आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। आप यहाँ पे नॉर्मल नमक ले सकते हैं, बट काला नमक से इसका जो फ्लेवर है काफी बढ़िया हो जाता है। साथ में एक चम्मच भरकर हम इसमें सूंड यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर डालेंगे और पाव छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से इसे मिला देंगे। अगेन अगर आपके पास सूंड यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर ना हो तो आप क्या करें, सिंपली जो घर में अदरक होता है उसे आप कद्दूकस करके ले सकते हैं, पीस कर ले सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई होने तक यानी गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यानी ये जो चाशनी हमको नजर आ रही है ना इसकी हमें एक या दो तार नहीं बनानी है, बस इसे इतना पकाना है कि ये शहद की तरह चिपचिपी होनी चाहिए। वाव, देखिए बढ़िया सा गुड़ के वजह से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है और ये अच्छे से सूखने भी लगा है, ड्राई है, साथ में चाशनी की वजह से इसमें गीलापन भी नजर आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, मगज के बीज, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, और गैस को कर देंगे बंद क्योंकि इसे और ज्यादा पकाना नहीं है हमको। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से बढ़िया से मिला दिया है, इसे आप मुरब्बा, चुंदा, चटनी, मुखवास जो चाहिए वो नाम दे सकते हैं। रोज एक चम्मच बड़े और आधा चम्मच बच्चे को खिलाए, इससे आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी सेहत, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। बहुत ही गुणों से भरपूर है, बहुत गुणकारी है, टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी भी है। इसे बनाकर आपको इसे फ्रिज में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही बाहर सालों साल अच्छे से टिक के रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये और टेस्टी होता जाएगा। ये एकदम खाने में टेस्टी है, मीठा है, जूसी बना है, तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रे में सूखने के लिए रखा हुआ था बालकनी में, इसे मैंने 2 दिन अच्छे से ना बालकनी में सूखने के लिए रखा था। आप चाहो तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, और सूखने के बाद ये देखिए कुछ ये इस तरह से नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, एकदम ये क्रिस्पी नहीं बनता है, ये हल्का सॉफ्ट ही रहता है। तो सूखने के बाद इसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। आप क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से मिक्सी के जार में डालेंगे और बिना इसमें कुछ डाले इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए इसे मैंने पीस कर रेडी कर लिया है, और ये हमारा घर का बना हुआ एकदम 100% नेचुरल आंवले का पाउडर बनकर रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी पाउडर है, मार्केट में तो ये बहुत ही महंगा मिलता है, आप बहुत ही सस्ते में बहुत ही आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप हेयर पैक बनाने के लिए, स्किन के लिए, यहाँ तक कि आप किसी खाना अगर बनाते तो उसमें भी डालने के लिए आप कर सकते हैं। आप नॉर्मल इसे पानी में घोलकर भी अगर पी लेते हैं तब भी ये काफी फायदेमंद है। नॉर्मल जो बाहर पाउडर मिलता है उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है घर के बने पाउडर से, बट ये जो पाउडर है ये जैसे जैसे इसको टाइम बीतेगा इसका भी कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये देखिए ये मेरे पास पहले वाला पाउडर है जो कि मैंने इसी तरह से बनाया था, और इसका कलर आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है वैसा ही है, बट जब फ्रेशली आप बनाते हो तब उसका कलर इस तरह का होता है। इसे आप कोई भी डिब्बे में भर कर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये 5 से 6 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो दोनों रेसिपी मैंने आपको बताई है, तो आप इस तरह से बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।